हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडियन ट्रक एंड बस। तो आज हम एक गाड़ी की वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो कि टाटा भारतवेंच मर्सिडीज ड्रियो 1210 ट्रक के यहाँ आज हम पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। पहले भी इस वीडियो पर वीडियो आई है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले। टाटा मर्सिडीज बेंज 1210 डी डी स्टैंड्स फॉर ड्रियो। तो यहाँ पर आपके सामने ब्लू शो पेंट के साथ टाटा की मर्सिडीज़ के साथ कोलैबोरेटिंग एग्रीमेंट के अंदर आई गाड़ियाँ थी, जो उनमें से एक गाड़ी यह है। 1954 इस गाड़ी का मॉडल है, यानी कि 56 साल की उम्र हो चुकी है गाड़ी की, लेकिन हाल ही फ़िलहाल में इसका परमिट कैंसिल हुआ, तब जाके ये इसने जो है हार मानी, वरना यह गाड़ी अब भी रोड पर चल रही थी। तो टाटा की इस गाड़ी के नाम पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता ही है और इस वीडियो को भी शेयर करना, इस गाड़ी को वायरल करना बनता है। हिस्ट्री कुछ ऐसी है इस गाड़ी की। टाटा, जिसको उस टाइम पे टेल्को कंपनी के नाम से जानते थे, और बेंज, जिसको उस समय में डैम्बलर कंपनी के नाम से जानते थे, इन दोनों कंपनियों ने जो है 1900 के दशकों में इन्होंने, यानी 50s के बाद में इन्होंने एक कोलैबोरेटिंग एग्रीमेंट साइन किया था, जॉइंट वेंचर रहा था इन दो कंपनियों का। उस जॉइंट वेंचर के अंदर ये गाड़ी आई थी। तो उनका ऐसा कुछ था कि जो हेडलाइट्स है और जो ये इसका इंजन है और ये जाली है और जो इसका बम्पर है और इसका इंजन है, उसका सबका पूरा डिज़ाइन वगैरह सारा मर्सिडीज़ का था, और जो ये गाड़ी है इसमें टाटा के साथ इसका कोलैबोरेशन था। तो ऐसा कुछ था, इसका जो बम्पर है दो पार्ट्स में ओपनेबल होता था। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये आप हुक के यहाँ से खोलते थे, ऐसे ही दूसरा हुक दूसरी तरफ से इसे खोलते थे, और इसका जो बोनट होता था, यानी इंजन इसका फ्रंट में रहता था, तो उसको आप इधर वाले को, तो आप देख सकते हो कुंडा है तो उधर उठा सकते थे, इधर वाले को उधर, और ये देख सकते हैं मर्सिडीज़ का इस पर लोगो लगा है। तो ऐसे कुछ ही ओपन होता था इसका लोगो, जो भी इसका बोनट वगैरह रहता था, यानी कि बम्पर इंजन वगैरह देख सकते थे। और ये हेलोजन 8 इंची बल्ब आता था इस गाड़ी में, हेलोजन बल्ब के साथ गोल हेडलाइट्स। यहाँ पर आ जाता है मर्सिडीज़ का काफ़ी बड़ा सा लोगो, जैसा कि मर्सिडीज़ का लोगो आता है। उसके बाद यहाँ आ जाता है टाटा मर्सिडीज़ का ही लोगो, यहाँ पर भी एक टाटा मर्सिडीज़ का लोगो रहता था। यह आता है टाटा मर्सिडीज़ बेंज। तो ऐसे यहाँ से जाली रहती थी फ्रंट में, और यहाँ आप इसका बोनट देख सकते हो कितना बड़ा, यहाँ पे आप एक बंदा बैठ जाए चाहे, ऐसा कुछ रहता था। और ये डंडे वगैरह रहते थे दोनों तरफ, ताकि ड्राइवर को अंदर से पता लगता रहे कि मेरी गाड़ी जा कहाँ रही है, ये लोकेशन पता करने के लिए गाड़ी जा कहाँ रही है, उसके लिए होते थे सेफ्टी के लिए ये थोड़ा। तो ऐसा रहता था, बम्पर रहता था, ये कुछ ऐसा रहता था। तो हुआ क्या, 15 साल के जॉइंट वेंचर के अंदर फिर गाड़ियाँ अलग अलग हो गई, दोनों कॉन्फ्लिक्ट ऐसे हुआ कि जो टाटा ने आगे अपने ट्रक निकाले, तो उसमें ये सेम डिज़ाइन की लाइट आ रही थी, सेम डिज़ाइन का यहाँ पर बम्पर आ रहा था, दोनों तरफ ओपनेबल वाला बम्पर आ रहा था। तो मर्सिडीज़ ने उस पर केस कर दिया पेंडेंट के लिए कि मेरा डिज़ाइन कैसे यूज़ कर रही है टाटा। तो ये कुछ कन्फ्लिक्ट रहा था। फिर उसके बाद टाटा ने अपनी 16-13 जो गाड़ी निकाली थी, या 1210 SC बोलते हैं जिसे, S मॉडल गाड़ी, तो वो गाड़ी इसी के चक्कर में जो है लॉन्च की गई थी, क्योंकि फिर उसमें रेक्टेंगुलर आपकी लाइट आ गई थी गाड़ी में, बोनट यहाँ से फ्रंट से ओपन होता था। S मॉडल की वीडियो मेरी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, पूरी डिटेल्ड वीडियो है, वो भी पूरी स्पेसिफिकेशन के ऊपर, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हो। तो ऐसा कुछ कन्फ्लिक्ट रहा था। फिर उसके बाद टाटा ने अपने 16-13 गाड़ियाँ निकाली बाद में, इसको D मॉडल को डंडा मॉडल गाड़ी भी बोलते थे, ओल्ड इज़ गोल्ड ये मैं कहूँगा कि, क्योंकि काफ़ी पुराना ट्रक है, फिर भी देखो अभी अभी भी ये
जो है वर्किंग कंडीशन में है, बैटरी रखने की जरूरत है, गाड़ी चलती मिलेगी आपको, 1954 मॉडल गाड़ी है ये। उसके बाद जो टाटा ने अपनी अलग गाड़ी निकाली मर्सिडीज से, वो 1210 SC, 1510, 1210, 312 और काफ़ी सारी गाड़ी इन्होंने निकाली। श्रीलंका को इन्होंने अपना पहला ट्रक जो एक्सपोर्ट किया था 312 नाम करके, अफ्रीका कंट्रीज़ को इनको इन्होंने SC मॉडल काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। उसके बाद कुछ ऐसा इसका रहा था। उसके बाद अगर बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की या फ्रंट से पहले लुक की बात कर लेते हैं, इस जाली के लिए गाड़ियाँ बहुत फेमस थी। मर्सिडीज़ का लोगो जो आजकल आप कारों में देखते हो, फैन बेल्ट, रेडिएटर फ्रंट में रहते थे, रोड वाला स्टेयरिंग आता था ZF का इस गाड़ी में, और जो आप हेडलाइट्स देख रहे हो 8 इंची की हेडलाइट्स सेट थी हलोजन बल्ब के साथ। उसके बाद यहाँ पर आ जाता था आपका टोइंग हुक, गाड़ी को कई बार टोइंग वगैरह करना पड़ जाता था, खींचना पड़ जाता था, तो वो यहाँ पर आ जाता था आपका। उसके बाद ये डंडे होते थे जिससे बोलते थे इस गाड़ी को डंडा गाड़ी। यहाँ आती है 1210 की बेजिंग, 1210 ड्रियू गाड़ी है ये। और उसके बाद कुछ ऐसा रहता था साइड प्रोफाइल इस गाड़ी की, चेक कर लीजिए आप कैसी गाड़ी लगती है ये। टाटा 1210D में 6 सिलेंडर 4.6 लीटर ओम 312 डीजल इंजन आता था, जो कि पीक पावर की बात करें तो 90 हॉर्स पावर गाड़ी का इंजन पावर प्रोड्यूस करता था, और फ्लैट टॉर्क की बात की जाए तो 277 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता था 1200 से 1400 RPM पर। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर गाड़ी आती थी, यानी कि 5 गियर रहते थे गाड़ी में, 1 रिवर्स गियर रहता था। ब्रेक्स इस गाड़ी की हाइड्रोलिकली असिस्टेड रहती थी, इसके जो एयर प्रेशर बूस्टर, सिंगल एयर प्रेशर बूस्टर है इस गाड़ी में, एयर प्रेशर बार, उससे इस गाड़ी की ब्रेक जो है कंट्रोल रहती थी पूरी। कुछ ऐसी यहाँ पर इस गाड़ी की जो कैबिन की लुक आती थी, डे कैबिन रहता था इसका पूरा सिंगल, और पूरी गाड़ी आप देख सकते हो जैसे आज के टाइम में जितनी लंबी गाड़ियाँ 14 फुटी गाड़ियाँ आ रही हैं, जो 17 फुटी गाड़ियाँ आ रही हैं, उस लंबाई की गाड़ी रहती थी। हाइट और चौड़ाई चलो थोड़ी आज के 6 चक्कियों के बराबर ही रहती थी इस गाड़ी की भी, बाकी अगर आज के टाइम में ये गाड़ियाँ रोड पर चढ़ती होती तो मज़ा ही कुछ और आता इनको चलती देखने का। अभी गाड़ी में बैटरी नहीं है, अगर कभी बैटरी का जुगाड़ होगा तो मैं इस गाड़ी की चलाकर पूरी वीडियो बनाऊंगा। टाटा का यहाँ पर लोहा ऐसा यूज होता था, लाइफ लॉन्ग ये लोहा रहता है, देख लो अब भी ये यहाँ पर रस्टिंग आई है, थोड़ी थोड़ी पीछे में रस्टिंग आई है, ऊपर तो ओके है। साथ का ही यहाँ पर गाड़ी का शो पेंट है ब्लू कलर का, ग्रीन कलर में भी गाड़ी आती थी, 2 शीशे आते थे गाड़ी में वैसे तो। उसके बाद जब टाटा लग हो गई तो उसने सिंगल बड़ा मिरर यहाँ पर शुरू कर दिया था, यहीं पर वाइपर जेट की आ जाती है, ऊपर आता है इसका काफ़ी बड़ा सा टूल, एस मॉडल में भी ऐसे टूल बनते हैं, बॉडी तो चलो अलग से लगती थी गाड़ियों में। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं गाड़ी में चढ़ने के लिए एक स्टेप, ये बाद में लगवाया है शायद कंपनी की तरफ से, तो नहीं आता होगा ये क्योंकि लोहे का देखने से पता चल रहा है। यहाँ आ जाते हैं मड फ्लैप्स। उसके बाद अगर टायर साइज़ की बात की जाए तो 1020 का यहाँ पर दोनों टायर आते हैं, फ्रंट में भी और रियर में भी दोनों टायर आपके 1020 का रहता है। उसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की कुल लंबाई की तो 16 फीट की लंबाई के साथ यह गाड़ी आती थी उस टाइम, और 1210 यानी कि 12500 इसका टोटल GVW गाड़ी का रहता था। 9 टन गाड़ी पास कर जाती थी, खाली गाड़ी का 4 टन वजन रहता था तो 9-10 टन यह गाड़ी पास कर जाती थी। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है छोटा सा ही सलेंसर एक, और स्टेपनी वगैरह चढ़ाने का यहाँ पर कोई सिस्टम रहता नहीं था उस टाइम, आप देख सकते हो जैक सिस्टम शायद बाद में लगवाया है चैसी का उठाने के लिए, पहले हाथ से उठा कर यहाँ पर चैसी चढ़ानी पड़ती थी 1210 गाड़ी में। उसके बाद सिंगल यहाँ पर प्रेशर टैंक किया जाती है, एयर प्रेशर बार, ब्रेक वगैरह यही कंट्रोल करती है, तभी इन गाड़ियों की ब्रेक्स वगैरह ज़्यादा अच्छी होती नहीं थी कई बार, क्योंकि फ्रिक्वेंटली ये गाड़ियाँ ब्रेक डाउन हो जाती थी, ऐसी दिक्कत रहती थी कुछ इनमें। उसके बाद बैक प्रोफाइल की बात करें तो ऐसा कुछ इस गाड़ी का डाला है, ऊपर भी देखो टाटा मर्सिडीज बेंज यहाँ पर फट्टों पे बनवाया है भाई ने, जिनकी भी गाड़ी आए नीचे से टायर तो ओके हैं, टायर खुलेंगे इसके क्योंकि अब गाड़ी जो है पुरानी हो चुकी है, कागज़ ख़त्म है गाड़ी के। यहाँ आ जाता है गाड़ी का हिस्सा, यहीं पावर जाती है गाड़ी की, जो भी पावर जनरेट होती है यहाँ लगता है गियर का प्रेशर और गाड़ी के टायर घूमते हैं। रियर में गाड़ी में
जो मेन पटे होते हैं 12 पटे यानी कि सस्पेंशन की बात करें तो मल्टी लैप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स रियर में यहाँ पर नीचे आते हैं, और जो हेल्पर पटे होते हैं वो ऊपर आते हैं आपके। नीचे आपके 12 सिंपल मल्टी लैप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स शॉक अब्जॉर्बर के साथ आते हैं। उसके बाद ऐसा कुछ इसका देख लो आप, फर्श है लोहे लोहे के, यहाँ पर जो है चेसी है और काफ़ी हैवी चेसी आती थी उस टाइम भी। 8 इंची वाली यहाँ मोटी चेसी है, चेसी भी देखो बेंड हो चुकी है। और अगर बात की जाए तो 8.5 इंची वाली यहाँ पर बत्तों का यूज़ किया गया है। 8 इंची थिकनेस के साथ वाली यहाँ चेसी है। और बत्तों की बात की जाए तो 4 इंची वाले बत्ते आज इस टाइम के देख सकते हो आप, बत्ते जो लगे हैं। और आज के टाइम में बत्ते जो हैं 9 इंची का यूज़ कर रहे हैं बॉडी बिल्डर बॉडी बनाने के लिए। तो देख सकते हो कितना फ़र्क, आधे आधे का फ़र्क आ चुका है अब की और पुरानी गाड़ियों में। फिर भी ये गाड़ियाँ कामयाब थी उस समय में, ब्रेक डाउन की इसकी दिक्कत थी, बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी। पीछे आ जाते हैं यहाँ पर टेल लैंप्स, ये साथ की नहीं है गाड़ी की टेल लैंप्स। यहाँ पर मड फ्लैप्स HRA हरियाणा 8247 नंबर इस गाड़ी का है। उसके बाद कुछ ऐसा यहाँ पर बैक प्रोफाइल रहती है गाड़ी की। बॉडी को तो चलो इसकी दोबारा पेंट हुआ है, लेकिन गाड़ी तो जो फ्रंट शो पेंट है वो तो गाड़ी के साथ का ही है। उसके बाद बात करें इस गाड़ी की प्राइस की, तो उस समय 10-12 हज़ार की गाड़ी आई थी 1954 जैसे मॉडल है गाड़ी। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, वैसे गिल ट्रक बॉडी समाना ने तो अपनी वीडियो में कहा था कि गाड़ियाँ 2 लाख 3 लाख, नहीं मेरी पहली वीडियो में भी ऐसे ही मैंने लगा था कि 2 लाख 3 लाख, लेकिन नहीं, 10-12, 10-20, 22 लाख 22 हज़ार तक गाड़ी आती थी, 3500 तक की इसकी बॉडी लगती थी। उस टाइम पैसे की इतनी वैल्यू है नहीं थी, पैसा तो अभी उसी के बाद ही आया है। 1954-94 मॉडल गाड़ी है 54 तो करके। उसके बाद 1969 के बाद टाटा और मर्सिडीज़ बेंज अलग अलग हो गई थी, यानी कि लोगो डिज़ाइन और बोनट हुड था जो मर्सिडीज़ का डिज़ाइन था वो सारा उसने अपना वापस ले लिया, कोलैबोरेटिंग एग्रीमेंट जो है ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद टाटा ने अपनी गाड़ियां लॉन्च की। यहां पर भी आ जाते हैं आपके 1020 के बड़े टायर। उसके बाद आगे बात की जाए, यहाँ पर आ जाती है एक बड़ी टैंकी, 200 लीटर का यहाँ पर डीजल टैंक आता था गाड़ी में। उसके बाद सेफ्टी बहुत अच्छी होती थी इन गाड़ियों में, क्योंकि इंजन इस गाड़ी का आगे रहता था और स्टेयरिंग अंदर की साइड रहता था। इसका थोड़ा बंदे पेट वगैरह भी दिक्कत आती थी चलाने में, डर तो जाता था कई बार पेट भी, तो क्योंकि स्टेयरिंग इसका ज़्यादा अंदर रहता था, कैबिन इसका छोटा था थोड़ा। बाद में तो स्लीपर कैबिन भी आ गए थे। इसमें क्या था कि जो आपका इंजन आता था फ्रंट में था, यहाँ पर फ्रंट में तो सेफ्टी रहती थी कई बार, क्योंकि अब तो जैसे नई कंटर गाड़ियाँ आ रही है तो बंदा ख़त्म ही हो जाएगा अगर देखा जाए तो, अगर थोड़ा सा भी टच होती है गाड़ी। अगर बात करें इस गाड़ी की इंजन की, तो यहाँ पर 6 सिलेंडर ही आपको इस गाड़ी में इंजन मिलता था, और 100 हॉर्स पावर की जो है गाड़ी पावर प्रोड्यूस करती थी। और जो 16-15 गाड़ी आती थी 16 टन के टोटल GVW के साथ, वो 160 टन हॉर्स पावर गाड़ी प्रोड्यूस करती थी। और ये गाड़ी जो है 9 टन पेलोड पास करती थी, 9 टन तो सारा ही गाड़ियां पेलोड कर पास करती थी, चाहे वो गाड़ी 15-10 हो, 12-10 SC हो, 12-10 D हो, 12-10 हो, 312 हो, कोई भी गाड़ी हो, ये सारी गाड़ियाँ 9 टन 10 टन ही पास करती थी। सबसे पहले लाइट लाइट मॉडल आई थी इसकी, जिसे डंडा मॉडल कहते हैं। बाद में 1972 के बाद डी मॉडल जो स्टील हेड के साथ आती थी, जिसमें क्लीनर खलासी भी कहते थे, वो मतलब कि आपका आगे नहीं पीछे रहता था गाड़ी के सामान की देखभाल के लिए, आगे नहीं उसका था सिस्टम बैठने का। गाड़ियाँ पहले 12-10 आई थी, फिर 15-10 आई थी। 1991 में डबल मास्टर सिलेंडर आता था उसमें। उसके बाद 1996 में 16-12 आई थी, 6 सिलेंडर गाड़ी रहती थी। ये अभी आपकी 6 सिलेंडर गाड़ी रहती, 6 नोजलें रहती थी गाड़ी में। इसमें ब्रेकडाउन और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट इस गाड़ी की थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि नई नई गाड़ी आई थी तो स्पेयर पार्ट भी थोड़ा महंगा मिलता था, मिस्त्री वगैरह भी इतने नहीं थे। आजकल तो चलो मेंटेनेंस इसकी कम हो चुकी है टाटा की गाड़ियों की, ऐसा कुछ ये गाड़ी रहती थी। मैंने इसको कहा था दादा के समय का ट्रक, सच बात है मेरे दादा के समय का ट्रक है भाई, ये पुराना ट्रक है। इन ट्रक्स की वजह से आज टाटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन देखा जाए तो दुख भी लगता है, ये गाड़ियाँ भी पुरानी होगी। टाटा रतन जी जो जिन्होंने CEO हैं जो टाटा कंपनी के,
वो भी थोड़ा अब चलो उम्र हो चुकी है उनकी भी, उन्हीं के हान का ट्रक है। तो गाड़ी करती तो 12 टन टोटल पास थी, लेकिन दुगुना वजन 20 में डाल गाड़ी में डाल सकते हो आप। 18 टन 20 टन पर भी गाड़ियाँ हैं, नेशनल परमिट पर चलती थी, लेकिन ये वाली गाड़ी तो आपकी चलो ज़्यादातर लोकली चली है। तो अभी हाल ही फ़िलहाल इसका जो है परमिट का थोड़ा इशू बन गया है, लेकिन पहले ये गाड़ी चलती रही है। तो में आते हैं यहाँ सिंगल मल्टी लेप्टिक लीप स्प्रिंग्स, और आपकी जो टायर्स होते थे, टायर ही रोड होती है, उसके ऊपर यहाँ पर मल्टी लीप स्प्रिंग्स रहते थे। देख सकते हो आप कैसा यहाँ पर, जो ये सारा पेंट है आपका, ये साथ का ही पेंट है गाड़ी में। कैबिन देखा जाए तो बहुत छोटा था इस गाड़ी का, आप देख सकते हो। आज की जो कैंटर गाड़ियाँ उनमें भी इससे ज़्यादा खुला डुल्ला आपका जो डे कैबिन आते हैं वो आता था, लेकिन फिर उसके बाद इस प्रॉब्लम को समझते हुए टाटा ने डबल कैबिन के साथ अपनी 16, 12, 10 और 16, 13 जो भी गाड़ियाँ निकाली वो डबल कैबिन के साथ ही आपकी गाड़ियाँ आई हैं सारी। और 16 फुट यहाँ गाड़ी की कुल लंबाई रहती थी। फ्रंट से आपको बोनट के नीचे से मैं दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसी यहाँ पर इसकी चैसीज वगैरह आती थी गाड़ी की, 8 इंची की यहाँ पर चासी आती थी उस टाइम में गाड़ी की। टाटा की गाड़ियों में लोहा तो हैवी मटेरियल यूज होता था, आप देख सकते हो नीचे से भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैवी लोहा है। अब भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छे रेट में जो है बिक सकती है। और यहाँ पर फ्रंट में कुछ ऐसा रहता था, मर्सिडीज़ का लोगो यहाँ पर नीचे आ जाता था, डीजल लिखा हुआ, डीजल की ब्रांडिंग, मर्सिडीज़ बेंच, टाटा मर्सिडीज़ बेंच। जो आपकी बॉलीवुड और बॉलीवुड की यानी पंजाबी इंडस्ट्री और बॉलीवुड की यानी बॉम्बे की जो आपकी मूवीज आती थी उनके अंदर काफ़ी ये गाड़ियाँ आपको देखने को मिली होगी। संधू ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पर बॉम्बे की ट्रांसपोर्ट थी, उनकी गाड़ियाँ यहाँ आपको पुरानी अमिताभ बच्चन और जो पंजाबी की बात की जाए तो आपको उसमें भी ये गाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। वो गाना आपने सुना होगा एक सोकीना ड्राइवर ही बिल्लो पेंदे सप्प दे सिरी तो नोट चुकने, वो गाना सुना होगा आपने, जो पुराने फेमस एक्टर थे वो, उनकी मूवी का वो इसी गाड़ी में शूट हुआ है, ग्रीन कलर के शॉप एंड के साथ वो गाड़ी थी जो जिसमें वो शूट हुआ था। तो उस टाइम की ये गाड़ियाँ आपने देखी होंगी मूवीज़ में, काफ़ी ज़्यादा आती थी, हर एक मूवी में ये गाड़ी आती थी। कैसे कैसे इन ट्रकों से स्टंट होते थे उस टाइम में, माशाल्लाह ट्रक होते थे ये। मैं चाहता हूँ कि ये आज भी ये सड़क पर दौड़ें, पर क्या करें, सरकार की नीतियों ने खा लिया देश को। यानी चलो वो भी स्क्रैपेज पॉलिसी तो आई है, नहीं चलो उसका भी अलग अलग फ़ायदे हैं, लेकिन मैं चाहता था कि ये गाड़ी रोड पर चले तो देखने को अलग ही मज़ा आता गाड़ी को। अब तो जैसे कैंटरे कुंटरे उनको देखने का क्या मज़ा, ये गाड़ियों का चलने का, और जब चलती थी ये रोड पे तो मज़ा ही आता था देख के, शौक भी काफ़ी ज़्यादा रहता था इन गाड़ियों का। क्योंकि अगर देखा जाए पुराने समय में उस टाइम में लोग जेड जो स्टेयरिंग रहता था, रोड वाला स्टेयरिंग रहता था, उनके पेट भी दर्द हो जाते थे चलाते चलाते, फिर भी जब वो ढाबे पर गाड़ी खड़ी करते थे तो पहले नीचे यहाँ साफ़ करते थे, ये यहाँ पर कील या कांच पत्थर कुछ है तो नहीं, फिर उस जगह पर साफ़ की हुई जगह पर इस गाड़ी को खड़ाते थे, ऐसा कुछ शौक रहता था पुराना। तो शौक शौक मेरे इस चैनल पर आपको ऐसे ही विंटेज ट्रक और बसेस आपको देखने को मिलती हैं। मेरी 16, 13 और एस मॉडल और डी मॉडल की वीडियो पहले भी आ चुकी हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर जाकर। टाटा 16, 13 SC के मेरी 2 पार्ट्स के अंदर वीडियो आई है, और टाटा 12, 10 बस उसकी भी वीडियो आई है, उसका एक और वीडियो मैं बना सकता हूँ अगर आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर। यानी कि अगर आपको भी कोई इसके बारे में थोड़ी और नॉलेज हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करिएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। I can't give it up, anything just to feel the rush.